गाइजर ब्लू मर चुका है। कैसे मारा, किसने मारा, कुछ नहीं पता। रेवेंजर आई का मेरे पास फोन आया था, उसने बोला ब्लू मर चुका है और मुझे पता करना है किसने मारा है ब्लू को। तो क्या आज हम पता कर पाएंगे किसने मारा है ब्लू को, फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो फिर ऐसी तरीके शुरू करते हैं और पता करते हैं किसने मारा हमारे प्यारे से ब्लू को। तो गाइजर अभी हम जा रहे हैं रेवेंजर हल्क के पास। अगर आपको नहीं पता कि ब्लू कौन है तो मैं बता देता हूँ। ब्लू यार समुद्र का राजा कहा जाता है और अगर वो नहीं होगा तो समुद्र की हालत खराब हो जाएगी। और मैं आपको और ये तो ब्लू पे, अरे गाइजर ये ब्लू। तो गाइजर आप देख सकते हो ब्लू यहाँ पे मरा हुआ है। गाइजर कितना ज्यादा बड़ा है, ये देखने में बहुत खतरनाक है पर ये सबसे अच्छा राजा था ओशन का, ये सबकी मदद करता था। तो आज हमें यही पता करना है इस प्यारे से ब्लू को किसने मारा। मेरा ब्लू मर गया, मेरा ब्लू मर गया। अरे ये कौन है? अरे फ्रैंकलिन, ये है ब्लू का चाचा, इसका भतीजा मर चुका है, ये बहुत ही परेशान है। फ्रैंकलिन हमें पता करना पड़ेगा ब्लू को किसने मारा है। मुझे तो लगता है तुमने मारा होगा। अरे मैं क्यों मारूंगा ब्लू को, ब्लू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अरे आपस में बतलू, मुझे बताओ कि इसको बचाए कैसे। अरे फ्रैंकलिन हमको इसको कैसे भी करके बचाना पड़ेगा वरना पूरा का पूरा लॉस सैंटोस सुनामी में डूब जाएगा। अरे ये नहीं हो सकता है, हमें इसको बचाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे क्या करें क्या करें, इस ब्लू को कैसे बचाएं, कैसे चिंता करें। अगर गाइजर आपके पास कोई आइडिया है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। एक सेकंड, ये लाल कैसे हो गया? ब्लू लाल हो गया, इसके पास बहुत ही कम वक्त बचा है, हमें इसको जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमेशा के लिए मर जाएगा। अरे क्या करें क्या करें, मेरे भतीजे को कोई तो बचाओ। अरे अंकल आप रो मत, आप कुछ आइडिया बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भतीजे को बचाओ। अरे फ्रैंकलिन अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हमें इस ब्लू को बचाना है तो हमें इसके बच्चों को लाना पड़ेगा। हाँ हमें इसके बच्चों को लाना पड़ेगा। अरे वो कहाँ मिलेंगे मुझे जल्दी बताओ। उसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। क्या टाइम में पीछे जाना पड़ेगा? हाँ फ्रैंकलिन मैं तुम्हें टाइम में पीछे भेजता हूँ, तुम जाओ और इसके बच्चों को ले आओ। मैं कैसे जाऊँगा पीछे? रुको मैं अभी टाइम ट्रैवलिंग का पोर्टल खोल देता हूँ, तुम इधर से जा सकते हो। क्या मैं पक्का इधर से टाइम ट्रैवल कर लूंगा? हाँ हाँ फ्रैंकलिन जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है तो कहा सर फटाफट से चलते इसके अंदर और ब्लू के बच्चों को लेके आते हैं। तो फटाफट से चलते इसके अंदर, मुझे बचाओ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, बचाओ मेरे को। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, अरे कोई तो बचाओ, कहाँ फेंक दिया मेरे को। अरे ये पानी में कैसे आ गया? अरे गाइजर पता नहीं कैसे पानी में आ चुका हूँ। तो गाइजर मुझे फटाफट से ब्लू के बच्चे को ढूंढना चाहिए, लगता है इधर ही कहीं पे वो होंगे। कहाँ है कहाँ है, रुको ऊपर बोट है, अगर मैं बोट के ऊपर से देखूंगा तो मुझे आराम से दिख जाएंगे। फटाफट से इस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो गाइजर इसके बोट के ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ मुझे आराम से ब्लू के बच्चे मिल जाएंगे। ए तुम कौन हो? ओए होए बच्चे, मेरी बोट पे आके बोलता है तुम कौन हो? मैं ब्लू के बच्चे ढूंढने आया हूँ। तुम क्या ढूंढ रहे ब्लू के बच्चे? मुझे ब्लू को बचाना है, वो फ्यूचर में मर चुका है। अरे हाँ वो फ्यूचर में मर चुका है। नहीं नहीं बच्चे, तुम प्रेजेंट से आए हो, मैं फ्यूचर से आया हूँ, वो फ्यूचर में मर चुका है। क्या वो फिर मर गया? हाँ बच्चे फिर मर गया। अरे तो उसको बचाएंगे कैसे? बच्चे बोट में खड़े रह रहे तो नहीं बचा सकते, चल पानी में। अरे इतने बड़े समुद्र में उसके बच्चे को ढूंढे कहाँ पे? बच्चे मेरे सूंघने की ताकत बहुत अच्छी है, अभी उसको ढूंढूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, तुमको धारा पड़ रहा है? नहीं नहीं बच्चे ये मेरी शक्ति है, मैं उसको ढूंढ लूंगा। हाँ ठीक है ढूंढो। तू गाइजर जब तक ये वहाँ पे ढूंढते हैं मैं भी यार कहीं पे और जाके ढूंढ लेता हूँ, कहीं पे अगर मुझे मिल जाए तो। चलो गाइजर फटाफट से ढूंढते हैं ब्लू। ब्लू के बच्चे कहाँ हो तुम? ब्लू के बच्चे कहाँ हो? अरे गाइजर समुद्र सही में बहुत बड़ा है। एक सेकंड क्या देखा मुझे? अरे गाइजर मिल गया मिल गया। अरे गाइजर ये ब्लू का बच्चा, इसके ऊपर वो मार्क भी है जो मुझे ढूंढ रहा था। गाइजर इसके देख सकते हो उसके सर के ऊपर वो मार्क है जो कि मुझे चाहिए था, पर ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा, क्या हाथ में उठा के लेके जाऊंगा? ओ हल्क, अरे हल्क कहाँ चला गया? ओ हल्क आजा भाई बचा ले मेरे को। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसको हिप्नोटाइज करके फ्यूचर में लेके जाऊंगा। अरे मुझे चाहिए, मैं लेके जाऊंगा उसको। नहीं नहीं मैं इसको हिप्नोटाइज करूंगा और मैं ही लेके जाऊंगा। अरे ये तो चीटिंग है। अरे कैसा ये वाली मछली तो ये ले रहा है, मुझे एक और ढूंढनी पड़ेगी। हे हे यहाँ से सुगंध आ रही है ब्लू के बच्चों की। मस्त मस्त सुगंध आ रही है, कहाँ हो ब्लू के बच्चे? अरे मिल गया, अरे ये तो शार्क है। अरे अरे सॉरी सॉरी शार्क, सॉरी मुझे छोड़ दे। अरे यार ये हल्का चला गया। ओ एक सेकंड ब्लू का बच्चा, अरे कैसर सामने मुझे ब्लू का बच्चा दिख चुका है, रुक जा रहा हूँ मैं। अरे कैसर टनल के अंदर जा रहे हैं, रुक जा इसको बिल्कुल छोड़ूंगा। कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, पीछा करूंगा तेरा मैं, रुक जा ब्लू के बच्चे। अरे कैसर ये कहाँ चला गया, समुंदर में घूमोगे? अरे एक सेकंड,
अरे काइजर ये क्या है? अरे काइजर आप देख सकते हो भाई ये क्या चीज है, ये तो ब्लूप की आत्मा है। अरे काइजर मुझे ब्लूप की आत्मा मिल चुकी है, अगर ये ब्लूप की आत्मा लेके जो मरा हुआ ब्लूप है उसके अंदर डाल दूं तो वो तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। अरे काइजर ये तो बहुत ही खतरनाक है, इस आत्मा को मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, किस पे करूं आइडिया। तो काइजर अभी हम इस आत्मा को यहाँ से लेके जाने वाले सीधा बाहर, और जाने वाले वापस हमारे पुराने वाले समय में, उस आत्मा को मैंने इस बॉटल में डाल दिया। तो चलो फटाफट से चलते हैं और पुराने वाले ब्लूप को जिंदा करते हैं। चाचा ब्लूप, और चाचा ब्लूप रेवेंजर हाइट में आ गया उसकी आत्मा लेके। अरे फ्रैंकिन उसकी आत्मा क्यों ले आए? अरे इसकी आत्मा से ठीक हो जाएगा, ये ब्लूप की आत्मा है। क्या? ओए क्या ये ब्लूप की आत्मा है? मेरे भतीजे की आत्मा। अरे फ्रैंकिन जल्दी से इस आत्मा को ब्लूप के अंदर डाल देते हैं, फिर वो जिंदा हो जाएगा। मेरा भतीजा मर गया। अरे फ्रैंकलिन जिंदा कर देगा, तुम टेंशन ले रहे हो। मेरा भतीजा मर गया। अरे काइजर ये सब तो पागल है, फटाफट से इस आत्मा को लेके जाते और ब्लूप के अंदर डाल देते। और ये क्या? अरे ब्लूप तो जिंदा हो गया। अरे मेरा भतीजा मर गया। अरे चाचा चाचा आगे खोलो, आगे खोलो। अरे फ्रैंकलिन तुमने तो कमाल कर दिया। अरे काइजर आप देख सकते हो ये ब्लूप वापस से जिंदा हो चुका है, और ये कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा खतरनाक है। अरे चाचा आप क्यों रो रहे हो, अब दौड़ जाओ। अरे चाचा आपका बेटा जिंदा हो गया। मेरा भतीजा मर गया, मर गया। अरे लगता है इसका स्क्रू ढीला हो चुका है। तो काइजर हमने यार वापस से सबका सब नॉर्मल कर दिया है, हमने ब्लूप को बचा लिया और लॉस सेंटोस को भी, क्योंकि यार अब यार कोई सुनामी नहीं आने वाली, कोई समुद्र में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे ब्लूप राजा वापस आ चुके। तो काइजर फटाफट से यहाँ से चलते हैं। कुछ भूलते नहीं ना? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने तो सारा काम कर दिया। फटाफट अभी घर पर जाऊंगा, मस्त आराम से सोऊंगा। फ्रैंकलिन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ए शार्क छोड़ दे फ्रैंकलिन। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता लगे इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जनर फॉलो कर लेना, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बात करेंगे। और गाइस यार मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।